नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा यंत्र बनाना सिखाऊंगा जिसे आपको अपने घरों पर लटकाना है, और यह यंत्र बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है। इस यंत्र से धन, ऐश्वर्य, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलेगा। इस यंत्र को बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे और कभी भी बना सकते हैं। जब इस यंत्र का रिजल्ट देखेंगे तो खुद आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा। यह दोस्तों, ये बंद किस्मत के ताले को खोल देगा, और इस यंत्र में किसी के आशीर्वाद की या किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। यह यंत्र स्वयं सिद्ध है। और एक बात आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा, अगर विश्वास करके पत्थर की पूजा कर लिया जाए तो भगवान मिल जाते हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं तो आपके सामने में भगवान खड़े फिर भी पत्थर समान होते, पत्थर तुल्य रहते हैं। तो तंत्र मंत्र की दुनिया में विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के हर कदम में मैं आपके मार्गदर्शन करता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ फ्री में जुड़ सकते हैं। हमने अपने चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान ही रखा है, क्योंकि प्राचीन ज्ञान का मतलब होता है पुराने समय जो जानकारी ज्ञान है वो सभी मित्रों को फ्री में सिखाऊं। मैं वास्तु टिप्स और प्राचीन ज्ञान की जानकारी अपने चैनल में सिखाते रहता हूं। तो इसका बनाने की विधि, यंत्र बनाने की विधि कुछ इस प्रकार से है। सोमवार के दिन आपको चुनना है। सोमवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। हो सके तो सफेद कलर के वस्त्र धारण करें या पीला कलर के वस्त्र धारण करें। एक भोजपत्र ले ले यंत्र बनाने के लिए। भोजपत्र न होने पर सफेद कागज ले सकते हैं, लेकिन कोरा सफेद कागज होना चाहिए। एक जो है पट्टे ले लीजिए जिसमें यंत्र आपको बनाना है, भोजपत्र को उसके ऊपर में रख करके। तो जो आप भोजपत्र रखे हैं या सफ़ेद कागज रखेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा उसके ऊपर में थोड़ा सा गोमूत्र गंगा जल का छींटा मार देना है। फिर आपको करना क्या है, पीपल, गुलर और बरगद, पीपल, गुलर और बरगद, इन तीनों के पत्ते आपको ले लेना है, यानी कि तोड़ करके आ जाना है। उसे पीस करके इसका रस निकाल लेना है, और इसके रस से ही आपको यंत्र बनाना है। अभी जो यंत्र बनाना सिखाऊंगा यही यंत्र बनाना है। तो स्क्रीन में हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए किस प्रकार से आपको यंत्र बनाना है। तो दोस्तों, आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा, इस यंत्र पर जो 6 लिखा है यानी कि शिक्षा लिखा है, इस पर अपने हाथ रख करके ओम नमः शिवाय 108 बार जपना है। दूसरा, एक लिखा अक्षर पर उंगली रख करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार आपको जपना है। 9 अक्षर जो लिखा है यहाँ पे हाथ रख करके यानी कि उंगली रख करके ओम श्री विश्व नमः, ये भी 108 बार जपना है। अंतिम अक्षर 8 अक्षर जो लिखा है इस पर उंगली रख करके ओम नमो नवनाथाय नमः, इस मंत्र को 108 बार जपना है। फिर यह यंत्र सिद्ध हो जाएंगे। इस यंत्र की घी का दीपक जला करके पूजा कर ले, फिर इसे फ्रेम में बंधवा करके घर के पूजा कमरे में बांध दे। तो जो ये ओम नमः शिवाय मंत्र है, ये शत्रुओं का दमन करेंगे, भूत प्रेत घर में बाधा है इसका नाश करेंगे। ओम नमो जो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आपने उच्चारण किए हैं, इस मंत्र के प्रभाव को आप देखेंगे, जो एक लिखा अक्षर है यह स्वयं पूर्ण होता है, इससे लक्ष्मी प्राप्ति होती है। इसके बाद जो हमारे 8 अक्षर लिखा मंत्र है, ये नवनाथ का मंत्र है। ये नवनाथ हमारे घरों से दरिद्रता का नाश करते हैं, घर को धन्य धन से संपन्न बना देते हैं। आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा काफी हो जाएंगे। आप कुछ ही दिनों के भीतर में इस यंत्र की कृपा से धन्य धन से संपन्न होने लगेंगे, चारों तरफ से पैसा आने लगेंगे। घर में अगर आपके कोई बात नहीं मानते तो घर में रहने वाले सदस्य आपके बात मानने लगेंगे, यानी कि सभी प्रकार से ये सुखद ही सुखद समाचार आपको देंगे। सभी प्रकार से धन दौलत वैभव निरोग रखने का ये आशीर्वाद प्रदान करते हैं यंत्र। तो इस यंत्र को बनाएं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरिओम।